हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स ऑफ साइंस में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्डम, यानी कि जैसे हम हिंदी में निरोध भी कहते हैं, या कई लोग इसे भारत में टोपी या छतरी के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्डम का कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए और इसका क्यों यूज करना चाहिए, इसको यूज करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को HIV, एड्स, STD, यानी कि जैसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज या यौन संचारित रोग भी कहते हैं, और अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के भी कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। लेकिन गाइज उससे पहले आपसे गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली कोई भी अमेजिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गाइज चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो गाइज कॉन्डम का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कॉन्डम की थैली को कभी भी बीच भाग से ना खोलें, इसको हमेशा एक कॉर्नर पर से ही खोलें, और खोलने के लिए कभी भी दांतों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे कॉन्डम के फटने का खतरा बना रहता है। तो गाइज इस तरह की गलती आप लोग भूल कर भी ना करें। नंबर 2, कॉन्डम पहनने से पहले आपका जो लिंग है वो पूरी तरीके से तना होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। नंबर 3, कॉन्डम की नोक को तब तक दबाए रखें जब तक कि वह पूरी तरह से लिंग पर ना चढ़ जाए, क्योंकि यह जरूरी है कि कॉन्डम के नोक में हवा बिल्कुल ना हो। नंबर 4, कॉन्डम पर पहले से ही चिकनाहट होती है, तो इस पर कभी भी तेल या वैसलीन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से कॉन्डम की जो कैपेसिटी है, यानी कि उसकी जो क्षमता है, वह खत्म हो सकती है। वीर्य स्खलन के बाद, यानी कि वीर्य निकलने के बाद, लिंग के तनाव समाप्त होने से पहले ही कॉन्डम को उतार देना चाहिए, और उतारने के बाद कॉन्डम को खुले छोर पर अच्छी तरीके से कसकर गांठ लगा देनी चाहिए। नंबर 6, इस्तेमाल किए गए कॉन्डम को कूड़ेदान में डालें। नंबर 7, एक कॉन्डम का इस्तेमाल केवल एक बार सेक्स करने के लिए ही यूज करें, एक कॉन्डम को कभी भी दोबारा इस्तेमाल करने की गलती ना करें। नंबर 8, बहुत ही कम लोग होते हैं गाइज जो कॉन्डम खरीदते वक्त इसकी एक्सपायरी डेट को भी ध्यान में रखते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। आप लोग सावधानी बरतें और कॉन्डम खरीदते समय इसकी एक्सपायरी डेट को जरूर देखें, क्योंकि यह आपको यौन बीमारियों और अनचाही प्रेगनेंसी से बचा सकता है। नंबर 9, कई लोग अपने कॉन्डम को पर्स में रखते हैं, लेकिन गाइज आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसा करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल जेब में या फिर पर्स में कॉन्डम को रखने पर यह घिसने लगता है और ख़राब हो जाता है, इसलिए आप लोग कभी भी पर्स या जेब में कॉन्डम को ना रखें। नंबर 10, कॉन्डम को ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी जगह पर ना रखें, इससे इसकी क्वालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है और यह जल्दी ख़राब होने लगते हैं, इसलिए इसको हमेशा सामान्य टेम्परेचर वाली जगह पर ही रखना चाहिए। और यदि गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में।